पैंपर पैंपर में पांस मरीज होते हैं जो पैंपर में नमाज पढ़ने पर मजबूर होते हैं अच्छा मैं फिलहाल ये मसला बयान नहीं कर रहा हूं इसके लिए मुमकिन है कोई अलग क्लिप बनाई जाए जिनको मुसलसल पेशाब के कतरात आते रहते हैं इसके लिए इंशाल्लाह एक अलग से हम क्लिप बनाएंगे लेकिन बाजत मरीज को पेशाब के बार बार कतरात की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके बावजूद उनको पैम्पर किया जाता है अच्छा ज़ाहिर पैम्पर किया जाता है तो उसमें पेशाब के कतरे भी गिरते हैं पैम्पर भी नजीस होता है बदन भी नजीस होता है तो इस सूरत में नमाज किस तरह पढ़े खड़े रह कर लेट कर बैठ कर वो अपने जगह पर मसाइल बयान किए नजासत के एतबार से किस तरह नमाज पढ़े तो क़ानून वही है जो हमने बयान किया अगर उनके लिए बार बार पाक करना हरजी है हर नमाज के लिए पाक करना हरजी है नाकाबले बर्दाश्त सहमत है तो फिर इस सूरत में इस सूरत में वो उसी पैम्पर में नमाज पढ़े कोई मजाक नहीं है कोई हरज नहीं है लेकिन हाँ बाजत क्या होता है बाजत यह कि मिसाल के 24 चौबीस घंटे में एक दफा की इजाज़त मिल जाएगी तो अब यहां पर जहर असर को आखिरी वक्त में नमाज पढ़े पाकी के साथ और फिर उसी पाकी के साथ मगरबिशा के साथ मगरबिशा की नमाज भी पढ़े उसी तहारत के साथ बस अगर पैम्पर अगर इंसान मजबूर है और इंसान के लिए पाक करना बार बार पॉसिबल नहीं है कि आम तौर तो पर मरीज के लिए मुमकिन नहीं होता तो फिर ये इजाज़त मिल जाएगी लेकिन हाँ अगर अगर मुमकिन है उनके लिए चेंज करना जहमत है लेकिन नाकबले बर्दाश्त जहमत या हरज वाली की कैफियत नहीं है तो फिर वाजिब है कि वो नमाज के लिए हर दफ़ा पैम्पर को चेंज करें पाक करके नमाज पढ़े हैं